अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, रैबर एकेडमी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल है, खुश आमदीद है। चलिए ज्योमेट्री जो हमारा 9th का सबक चल रहा है, पहला सबक जो है उसमें 1.1 हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप वहां से भी देख सकते हो, और 1.2 अब यहाँ पर देखेंगे आप। तो 1.2 जो सवाल आपके सामने नजर आ रहे हैं, जो न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लाल बटन को दबा दो प्यार से दबा दो। चलो ठीक है, ओके शुरू करते हैं 1.2। अगर टेबल दिख रहा है ना आपको, टेबल इसमें एक खाने में नुक्ते हैं और एक में उनके महत्व है, बस जैसे हमने 1.1 में किए थे सेम टू सेम करना है, बट फर्क यहाँ पर यह है कि हमको ये बताना है कि ये कतार मुतमासिल है या नहीं, इतना बताना है। चलिए एक को लेकर हम कर करते टेबल को ले लेते हैं, जेल की जरूरत में वाके उमूदी खत पर वाके नुकात के महत्व दिए हुए, इस बिना पर दिल की कथा खत मुतमासिल है या नहीं तय कीजिए। तो पहला सवाल है हमारे पास, उसी को लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा इसको मैं डार्क कर देता हूँ पेन, ओ डार्क कर देता हूँ पेन। तो चलिए पहला सवाल है, कथा ए बी और कथा डी ई बताना है ये मुतमासिल है या नहीं। मुतमासिल है या नहीं बताने के लिए स्टूडेंट हमको बताने का फासला मालूम करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नुक्ता ए का महद्दिद कितना है, -3 है, नुक्ता बी का महद्दिद कितना है, 5 है। ठीक है, सबसे पहले हम फासला बी ए भी मालूम करेंगे, तो यहाँ पर लेंथ लिख रहा हूँ उसकी लंबाई, ए बी की लंबाई जो है आपको पता है 5 बड़ा है -3 से, तो अब ए बी की लंबाई आएगी 5 -3, बड़े में से आपको छोटा नफी करना है, तो 5 नफी नफी जमा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 8, ऐसे सिंपल। चलिए दूसरा लेते हैं, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम नुक्ता डी ई, आ गया हमारे पास कथा डी ई लिखेंगे आप, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नुक्ता डी का महद्दिद, महद्दिद कैसे जा रहा है, महद्दिद कितना है भाई, डी का महद्दिद, डी का महद्दिद आपको नजर आएगा यहाँ पर, तो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, नुक्ता डी का मौद्दिद हम देखेंगे यहाँ पर नफी 7 और नुक्ता ई का मौद्दिद 9, यहाँ पर लिखेंगे नफी 7 और नुक्ता ई का मौद्दिद 9। ठीक है, अब 9 बड़ा है नफी 7 से, तो अब यहाँ पर हम लेंथ यानी लंबाई, इसकी लंबाई डी ई की लंबाई हम मालूम करेंगे, तो हम लिखेंगे 9 नफी नफी 7 और 9 में 7 जमा करेंगे कि नफी नफी जमा होता है, तो आपको मिलेगा 16। और देखिए नंबर 1 और नंबर 2 बराबर नहीं है, इसलिए ये जो है कथा मुतमासिल नहीं है, तो हम लिखेंगे लेंथ ए बी इज नॉट इक्वल टू लेंथ डी ई, इसलिए लिखेंगे कथा डी ई और ए बी मुतमासिल नहीं है, सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, सिर्फ आपको थोड़ा सा देखकर इसको हल करना है। चलिए दूसरा लेते हैं, एडी और बीसी एक बार बताता हूँ, बाकी आप कीजिए, ए हमारे पास है नफी 3, बी हमारे पास है नफी 7। ठीक है, यहाँ करते हैं इसको तो राजा भाई, हाँ तो हम लिखते हैं लेंथ, यार लेंगे हम एडी, अब नुक्ता ए का मौद्दिद जो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, नुक्ता ए का मौद्दिद नफी 3 है, आप डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू -3 और डी इज इक्वल टू -7। अब बड़ा कौन सा इसमें से, तो इसमें से आपको बड़ा मिलेगा नफी 3, बड़ा है नफी 7 से, तो हम यहाँ पर लंबाई मालूम करेंगे, तो ए डी की लंबाई बराबर नफी 3 में से नफी 7 माइनस करें। ठीक है, अब ये नफी पहला ऐसे ही रखेंगे और ये नफी नफी जो हो जाएगा हमारा, थोड़ा ऊपर करता हूँ मैं बैठा हूँ, ये नफी नफी जो हमारा जमा हो जाएगा, और जमा नफी नफी हो रहा है 7 में से 3 में 5, नंबर 1 मिला। चलिए लेंथ दूसरा कौन सा हमारे पास, बी सी, तो बी सी का मौद्दिद लिखता हूँ डायरेक्ट, लिख रहा हूँ मैं
आप लोग उसको कर सकते हो। तो मैं लिख रहा हूँ बी बराबर 5 और सी बराबर 2। ठीक है, अब आपको पता है कौन सा बड़ा है, तो बी यानी 5 बड़ा है 2 से, तो हम मालूम करेंगे लेंथ तो बी सी बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3। ठीक है, ये 5 आया, ये भी 3 आया, बी सी हमने मालूम किया और ए डी मालूम किया, तो ए डी का यहाँ पर आया हमारे पास 5 सॉरी 4, 5 दिखाओ देखो यहाँ पर 4 आएगा, 7 में से 3 गया 4, यहाँ पर 5 में से 2 गया 3, तो ये भी मसावी मुतमासी नहीं है, आसानी से आप लिख सकते हो। और ए डी आप देखेंगे तो ए डी हमारे पास लिखा है 4 और बी ई हमारे पास या बी है ई है 9 में से 5 गया 4, तो तीसरे वाला आपका मुतमासिल आएगा। पहले दो आपके मुतमासिल नहीं आए लेकिन थर्ड वाला आपका मुतमासिल आएगा। ठीक है, चलिए ये आप थर्ड वाला आप खुद कर लीजिए, ये 4 आया, ये 3 आया, ये मुतमासिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखेंगे कौन सा है। हाँ, नुक्ता एम कथा ए बी का वस्ती नुक्ता है। अब एक कथा बनाता हूं मैं, पहला दूसरा सवाल हम यहां से करेंगे, पर देखिए ये ए बी है कथा, कथा ए बी है। ठीक है, अब एम इसका वस्ती नुक्ता है, वस्ती नुक्ता मतलब दरमियान में एकदम वाक्य, ये फासला और ये फासला बराबर होगा, कौन सा फासला एम और एम बी, इसका मतलब ए एम जो हो गया ये इतना फासला जो आपको नजर आ रहा है इतना फासला, ये आधा हो गया, किसका आधा हो गया ए बी का। ठीक है, तो वही लेंगे हम नुक्ता एम कथा ए बी का वस्ती नुक्ता है, इसलिए क्या ए एम जो होगा ये आधा होगा, इसके आधा होगा ए बी के। ठीक है, आप लेंथ ए एम भी लिख सकते हो और लेंथ ए बी भी लिख सकते हो, आप इस तरह लिख सकते हो, लेंथ ए एम ये हमको मालूम करना है और 1/2 और ए बी की लंबाई हमको दी गई है सवाल में, 800 रख दीजिए, 2 × 8 तो लेंथ ए एम आपको मिल जाएगी 4 इकाई। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट नंबर 3 देखेंगे हम, नुक्ता पी कथा सी डी का वस्ती नुक्ता। अब ये सी डी है, ठीक है, और पी इसका वस्ती नुक्ता है, तो वही लिखेंगे हम सी पी जो है, यहां लिख लेता हूं मैं नुक्ता पी सी डी का वस्ती नुक्ता है। ठीक है, और सी पी जो होगा सी पी यानी लेंथ सी पी ये आधा होगा, इसके आधा होगा सी डी के, जैसा हमने यहां पर किया था। ठीक है, अब सी पी की लंबाई हमको दी गई है 2.5 1/2 और सी डी की लंबाई हमको मालूम करना है। राइट, अब 2.5 ये दो इधर सी में जाएगा जरब में हो जाएगा, तो 2.5 जरब 2 उधर बचेगा लेंथ सी डी और 2.5 को यानी 25 × 50 यानी जाएगा 5 इकाई। तो हमारे पास दो जो मालूम करना था हमको कि सी डी की लंबाई मालूम कीजिए, ए एम की लंबाई मालूम कीजिए, दोनों हमने मालूम कर लिए। सिमिलरली अब यहाँ पर चौथा सवाल है, छोटा बड़ा तय कीजिए, ए बी बराबर 5 है, चलिए यहां करता हूं ए बी बराबर 5 है, चौथा सवाल है ए बी बराबर 5, बी पी 2 2, उसके बाद ए पी 3 × 4 है ना, इसका मतलब क्या हो गया, लेंथ ए बी हमारे पास 5 है, लेंथ बी पी यानी बी पी की लंबाई हमारे पास 2 है और लेंथ ए पी और ए पी की लंबाई हमारे पास 3 × 4 है। अब हमको बताना है छोटा बड़ापन, कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो आपको नजर आ रहा है ए बी सबसे बड़ा है, तो हम यहां पर लिखेंगे लेंथ ए बी बड़ा है लेंथ ए पी से और लेंथ ए पी बड़ा है लेंथ बी पी से, इन्हें बी पी सबसे छोटा हो गया, ये मवाजना हो गया, इतना ही करना है आपको।
बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे बड़ा ए भी है, उससे छोटा ए भी है, एपी से छोटा बी भी है। ये हो गया आपका। तो यहाँ पर ये पूरे सवाल यहाँ पर आपके कंप्लीट होते हैं। 1.2 के जो सवाल थे उसमें चौथा सवाल आपने यहाँ पर किया। अब पांचवें सवाल में आप देखेंगे यहाँ पर शक्ल के बिना पर जेल के सवाल के जवाब आप लिखिए। ठीक है, अब देखिए ये सवाल के जवाब यहाँ पर आपको लिखना है। ये सवाल दिए गए और ये शक्ल देखना है। मैं एक एक सवाल के जवाब लिख रहा हूँ। चुहा आरपी की मुखालिफ चुहा का नाम लिखिए। अब आरपी कहां से कहां तक मैं रेड में बना रहा हूँ। आप देखिए शुआ बोला है तो शुआ यहाँ खत्म नहीं होगी, शुआ यहाँ से चलते जाएगी दूर तक, तो ये खत्म नहीं होगी। यानी ये यहाँ से इसका नाम आरपी बोले हमने, लेकिन ये यहाँ तक नहीं है बल्कि ये दूर तक जाएगी। तो इसकी मुखालिफ शुआ इधर आएगी आर एस। आप लिख सकते हो शुआ आर एस या शुआ यहाँ से आरटी भी बोल सकते हो, टी तक भी जा सकती है शुवा। शुवा यानी दूर तक जा रही है तो आप आरटी बोल दीजिए। ये दो शुवा यहाँ पर इसकी मुखालिफ शुवा हो गए। शुवा पी क्यू और शुवा आरपी का इनकिताई सेट। इनकिता मतलब दोनों में क्या कॉमन है। अब शुवा पी क्यू देखेंगे हम पहले। अब पी क्यू मतलब यहाँ से शुरू हो रही है, देखो यहाँ बताता हूं मैं, और दूर तक जा रही है। इसके अंदर ये पी क्यू शुवा हो गई, ठीक है। और शुवा आर पी, अब यहाँ आर है और यह आर से शुरू हो रही है, दूर तक जा रही है। अब ये आर पी आर पी यानी यहां तक गई, आर पी क्यू यानी यहां तक गई। दोनों में कॉमन आपको ये मिलेगा और ये यहां से यहां तक दोनों में कॉमन है जो निशान बना रहा हूं मैं। और इसको हम बोलेंगे कता। यहां लिखेंगे हम कता पी क्यू दोनों में इनके थाई सेट है, मतलब कॉमन है, तो पी क्यू दोनों में कॉमन। बात समझ में आ गई। शोभा का मतलब होता है दूर तक जा रही है। अगर आरपी बोलूंगा तो आरपी यहाँ खत्म नहीं होगी बल्कि दूर तक जाएगी। पी क्यू बोलूंगा तो पी क्यू यहाँ खत्म नहीं होगी, दूर तक जाएंगे। लेकिन आरपी यहाँ से शुरू हो रही है, दूर तक जा रही है। पी क्यू यहाँ से शुरू हो रही है, दूर तक जा रही है। दोनों में मुश्तरक हमको पी क्यू मिल रहा है और शोभा नहीं मिल रही है, कथा पी क्यू मिल रहा है, इसलिए हम लिखेंगे कथा पी क्यू। बात समझ में आ रही। अब कथा पी क्यू और कथा क्यू आर का इज्तिमाई सेट ये मिटा देता हूँ। कथा पी क्यू यानी इतना हिस्सा, ठीक है, और कथा क्यू आर यानी इतना हिस्सा। कथा पी क्यू कथा क्यू आर, अब दोनों में मुश्तरक क्या मिल रहा। तो देखिए क्यू आर यहां से यहां तक गया लेकिन क्यूपी यहां से आता है और क्यूपी में क्यूपी भी है, क्यूपी में क्यूपी भी है और क्यूआर में भी क्यूपी मिलेगा आपको। देखो ये क्यूपी है, ये इतने लंबे में भी है और इसमें भी है। तो यहां पर हमको जो मिलेगा दोनों का इज्तिमाई सेट, ये भी मिला देने का और ये भी मिला देने का। अब इज्तिमाई सेट मतलब क्या होता है, यहां से लेके यहां तक दोनों कतार मिलेंगे तो इनका इज्तिमाई सेट जमा करना है हमको, है ना। अब जमा करेंगे दोनों की जमा कैसे होंगी, तो ये दोनों की जमा हो जाएगी शुआ क्यूआर। अब शुआ मतलब दूर तक जा रही है ना, तो हम यहाँ दोनों की जमा लिख सकते, दुआ लिख सकते हैं शुआ क्यूआर, ठीक है। या इन दोनों की इज्तिमा जो है वो क्या हो जाएंगी, शुआ क्यूपी भी लिख सकते हैं, क्यूआर भी लिख सकते हैं, जो शुआ आप लिख सकते हैं उसके आगे, ठीक है। ओके चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए अब एक प्रॉब्लम यह है कि ये जो किताब में ना ये कथा दिया हुआ है, दरअसल ये शुवा हो सकता है ना? अगर ये शुवा हुआ तो इसका जवाब जो आएगा खत क्यू आर आएगा, ये आप नोट करके रखेंगे। कथा क्यू आर किन शुआओं का जिमनी सेट है, कथा क्यू आर। अब कथा क्यू आर मतलब ये यहां से यहां तक, ये किसका जिमनी सेट है, पहले जिमनी सेट आपको समझना जरूरी है। देखिए फर्द कीजिए मैं एक लिख रहा हूं यहां पर, एक सेट लिख रहा हूं ए बराबर 1 2 3 और एक सेट लिख रहा हूं बी बराबर 1 2। अब आप देखेंगे कि बी के पूरे पूरे अरकान इसमें मौजूद है ए में, तो बी ए का जिमनी सेट हुआ, मतलब बी ए में है ना। अब मैं बोलूंगा कि बी किसका जिमनी सेट है, तो आप बोलेंगे ए का जिमनी सेट है। ऐसे यहां पर बोला है कथा क्यू आर
किन शुआओं का जिक्र छेड़े, मतलब किसमें है तथा क्यों किसमें मौजूद है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो उसको हम देखेंगे यहाँ पर, जरा इसको मिटा दो पहले मैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हम बाबू, कथा क्यू आर, आप इसको मिटा देता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। कथा क्यू आर मतलब यहां से लेकर यहां था, दिख रहा है ये जो मैं रेड से बनाया हूं, ये कथा हो गया। किन शुआओं का, अब अगर शुआ लूंगा मैं क्यू आर तो इधर दूर तक जाएंगे, तो उसके अंदर है क्यू आर, राइट। आर मैं इधर से लूंगा आर क्यू, तो ये भी दूर तक जाएंगे, तो ये आर से निकल रही है दूर तक जा रही है, क्यू से निकल रही है दूर तक जा रही है, तो दोनों में है ना ये कथा आर क्यू, तो लिखेंगे यहां पर शुआ, पहली शुआ क्यू से निकली, क्यू आर पकड़ो तो क्यू आर लेंगे दूर तक जाएगी, तो शुआ क्यू आर का जिमनी सेट है और शुआ आर क्यू का भी जिमनी सेट है, क्योंकि दोनों में आपको कथा क्यू आर मिलेगा। कथा मतलब उतना हिस्सा और शुआ मतलब दूर तक जा रही है। मप्ता आर के दो मुखालिफ शुआओं की जोड़ी लिखी, अब ये मप्ता है, मप्ता मतलब जहां से वो शुआ निकल रही है, अब उसने बोला यहां से ये मप्ता है, तो एक शुआ यहां से निकल रही है, इसका नाम क्यू आर आर पी ले लीजिए, क्योंकि आपको मुखालिफ लिखना है ना, तो आर पी ले लीजिए, तो शुआ आर पी एक हो गई। दूसरी यहां से निकल रही है लेकिन इस सिम पे जा रही है मुखालिफ, तो आर पी ले लीजिए या आर एफ ले लीजिए, तो मैं आर टी लिख रहा हूं, राइट। ओके जवाब, इधर से आर क्यू या आर पी, इधर से आर एस या आर टी, आप नाम लिख सकते हैं। शुआ का मतलब होता है दूर तक जा रही है, वहां से निकल रही है दूर तक जा रही है, ला मैं दूर पास लेता हूं। अगला मब्दा एस के कोई दो मुखालिफ शुआ के नाम लिखिए, मब्दा एस, थोड़ा मैं इधर हो जाता हूं थोड़ी देर के लिए। चलिए मब्दा एस है ना, अब दो मब्दा यानी ओरिजिन जहां से निकल रहा है के दो मुखालिफ शुआ, जैसे मैंने आर के लिखा यहां पर वैसे एस के लिखना है, तो अब एस के लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस पकड़ना पड़ेगा, तो आप एस ये ओरिजिन हो गया, ये मब्दा हो गया इसका, इधर से जा रही है शुआ, तो इसको आर पी एस आर बोलो, एस पी बोलो, एस क्यू बोलो, जो भी बोलना है बोलो। तो मैं लिख रहा हूं शुआ एस आर या एस पी या एस क्यू हो सकता है, और दूसरी शुआ का नाम लिखूंगा, तो यहां से आप इधर देखिए एस पी जा रही है, तो इसको ऊपर करना पड़ेगा मुझे शुआ एस पी, तो ये मुखालिफ शुआ है, ठीक है। शुआ एस पी और शुआ एस टी का इनकेताई सेट लिखिए, इनकेताई सेट, इनकेता मतलब कौन कौन से शुआ, ये शुआ है एस पी यानी यहां से निकली और यहां तक गई, ठीक है, बहुत दूर तक जा रही है लेकिन नाम इतना लेंगे, लेकिन शुआ लंबी है, और शुआ एस पी इसमें, अब ये मुखालिफ शुआ है लेकिन दोनों में कॉमन एक एस आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे नुक्ता एस, क्या लिखेंगे नुक्ता एस, दोनों में कॉमन है यानी इनके ताई सेट जिसको बोलते हैं, इनके ताई सेट में हम कॉमन अरकान को वहां से निकालते हैं मुश्तरक, तो मुश्तरक नुक्ता एस है। तो ये तमाम सवाल के जवाब हो गए स्टूडेंट, थोड़ा इसको समझना जरूरी है, शुआ किधर किधर जा रही है, और शुआ जो होती लामहदूद होती है, इतना याद रखिए, खत भी लामहदूद होता है लेकिन कथा महदूद होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।